अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखें। यदि आज भी आप बुरी परिस्थितियों तथा वातावरण में जकड़े हुए हैं तो निराश मत होइए, अपने भाग्य को मत कोसिए, इस परिस्थिति के लिए किसी दूसरे को दोषी मत ठहराइए, सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। बुराई का कारण तो आप में ही विद्यमान है, उसे समझकर खुशी खुशी घटनास्थल पर घटना को सामने आने दीजिए। ये घटना आपकी स्वयं की निर्मित की हुई है, उसे आप शीघ्र दूर कर सकते हैं। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल दें, सदा उत्तम विचारों में लीन रहें, अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने का दृढ़ संकल्प कर लें, तो बाह्य जीवन में भी वो दशा सफलतापूर्वक सुधर सकती है जिसके लिए आप चिंतित रहते हैं। यदि हम क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ आदि असंगत मानसिक दोषों के शिकार होते हुए भी उन्नत और स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं तो ये असंभव बात का स्वप्न देखना मात्र है। यदि हम वस्तुतः अपने जीवन को सुखी एवं उन्नतिशील देखना चाहते हैं तो क्रोध, चिंता, ईर्ष्या आदि कुविचारों को घटाने और हटाने के लिए प्रयत्न करना होगा। अंतकरण में उच्च विचारों का प्रवेश कराते रहिए तथा सदा सुखमय जीवन की आशा लेकर आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि स्थिति में आशाजनक सुधार हो रहा है। जिन बुरी दशाओं के कारण जीवन भार स्वरूप बन रहा था वे घट रही हैं। अखंड ज्योति, मार्च 1951, पृष्ठ 17। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।